हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था चैन रूल और चैन रूल पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। आज इम्प्लिसिट फंक्शंस पर आधारित कुछ डिफरेंशिएशन बताएंगे। अस्पष्ट फंक्शन, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, जो कि स्पष्ट नहीं हो। अब जैसे एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज का आपका क्वेश्चन नंबर वन, और इसमें चैन रूल प्लस में एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, यानी लेबनिज का रूल और चैन रूल दोनों मिक्स रहेगा इसमें। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर वन रहेगा आपका, आपको सब में फाइंड dy बाई dx करना है। फाइंड dy बाई dx, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस, इस तरह रहेगा डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक रहेगा। तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, आप यहां देख रहे हैं कि यहां से भी y आ जा रहा है और यहां से भी y आ जा रहा है, कहीं भी लेते हैं तो ये उसी प्रकार आते जा रहा है। अच्छा, एक चीज आप बताएंगे कि हम इसको इतना लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो है फिर इन्फिनिटी तक जाएगा तो वही y के बराबर आ जाएगा। अब इसको हम चाहें तो इसको इस साइड ला सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें dy वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फिर यहाँ y, फिर क्या, सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर इसका करते हैं क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में होगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। y इंटू 1 प्लस इसका हो जाएगा 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। आगे इसमें चलते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ dy बाई डी एक्स है। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो dy बाई डी एक्स को एक साथ रखेंगे और बाकी जो है उसको अलग लिख देंगे, और यहाँ पर जिसमें dy बाई डी एक्स होगा उसको कॉमन भी ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y, ये दोनों में से x प्लस 2y dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और ये y जो है इस साइड आया तो माइनस वाई हो जाएगा। अब आपको निकालना था जो dy बाई डी एक्स, वो आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, यही हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है x के जगह sin x आ जाए, cos x आ जाए, जो कि आप निकाल सकते हैं इस तरह से। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अस्पष्ट फलनों पर आधारित होगा, आज का क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू, यहां मान लेते हैं कि ऐसा दिया हो, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह दिया है। इसको भी आप उसी तरह से बना सकते हैं, चाहे तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं और चाहे तो आप
यहाँ इतना भी लिख सकते हैं x प्लस, क्योंकि y जो है यहाँ इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, तो यहाँ पर y हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल दे रहे हैं, डिफ्रेंसिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमें, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, dx बाई डी एक्स यानी कि 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को इस साइड लाएंगे, दोनों dy बाई डी एक्स, जितना भी dy बाई डी एक्स होगा वो सबको एक साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो y के जगह ये भी लिख सकते हैं। अब कुछ मैं एक क्वेश्चन अलग दे रहा हूँ, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए आपको दिया है एक्स वाई प्लस e टू डी पावर एक्स वाई, इतना दिया है, और इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बस इसमें भी वही, क्योंकि ये भी देखिए x इंटू वाई है, यहाँ भी x इंटू वाई है, तो इसमें चैन रूल है, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और e टू डी पावर एक्स वाई है, तो इस पर चैन रूल भी लग जाएगा। अब चलते हैं यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, तो यहां फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डीवाई बाई डी एक्स को हम चाहें तो वाई डैस भी लिख सकते हैं, डीवाई बाई डी एक्स नहीं लिखकर, और प्लस सेकंड यानी कि वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर चैन रूल अप्लाई होगा e टू डी पावर एक्स वाई, अच्छा तो पहले एक्स वाई के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा e टू डी पावर एक्स वाई का e टू डी पावर एक्स वाई, अभी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में तोड़े हैं, फिर इंटू एक्स वाई को हम तोड़ेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहां पर वही फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ मान लीजिए कि कुछ दिया है, कांस्टेंट दिया है, तो कांस्टेंट का मान लेते हैं 0 है, इतना का डिफरेंशिएशन मैं निकाल रहा हूँ। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी है क्या x dy बाई डी एक्स प्लस यानी वाई डैस और प्लस y, यहाँ भी है x वाई डैस प्लस वाई है, चाहे तो आप कॉमन ले सकते हैं x वाई डैस प्लस वाई, और इधर बच जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा e टू डी पावर x इज इक्वल टू 0। आपको dy बाई dx फाइंड करना है यानी कि y डैश फाइंड करना है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है dy बाई dx इसमें दिख रहा है, तो या तो इतना बराबर 0 हो सकता है, चाहे इतना बराबर 0 हो सकता है, तो इसको तो हम 0 के बराबर करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो हमें करना होगा एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यानी कि y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा क्या माइनस वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं यहां पर, जैसे कि ये आपने देख लिया, इसको मैं मिटा रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आएगा, देखिए मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग इसमें से कोई ट्राई भी करेंगे। चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रॉब्लम, जो कि इंप्लिसिट फंक्शन पर बेस्ड होगा, और मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा उस सबका आंसर आएगा माइनस वाई बाई एक्स, क्वेश्चन अनेक आंसर एक। अभी आप लोग देखेंगे कैसे उसका आंसर आएगा, मैं एक दो क्वेश्चन इसमें से सॉल्व भी करूंगा। यहाँ राइट साइड में मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ,
और ये एमसीक्यू वाले के भी बहुत काम करेगा। देखिए क्वेश्चन है एक्स वाई, अगर देखिए एक्स वाई इजुकल टू यहाँ पर है साइन एक्स वाई, ठीक है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, इसका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर टू, एक्स वाई प्लस ई टू डी पावर एक्स वाई इजुकल टू लॉग एक्स वाई, इसका भी आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ई टू डी पावर साइन एक्स वाई माइनस लॉग साइन एक्स वाई, चाहे इसको बराबर लॉग साइन एक्स वाई कर देते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, एक्स वाई इजुकल टू लॉग टेन एक्स वाई। पांचवा क्वेश्चन, एक्स वाई का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई माइनस माइनस लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू टेन क्यूब एक्स वाई। ये क्वेश्चन, अगर देखिए कि आपको यहां पर प्रत्येक टर्म में एक्स वाई दिखे और एक्स का पावर वही जो कि वाई का पावर है, दोनों का पावर सेम दिखे, तो इसका dy by dx जो होगा, इसका आंसर इस तरह का, मैं जितना भी क्वेश्चन अगर इस पर लिखूंगा, इस सब का आंसर आएगा माइनस वाई बाई एक्स। आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। चलिए मैं ये क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस e टू डी पावर साइन एक्स वाई इज इक्वल टू log साइन एक्स वाई, ये है। अब यहां पर चलते हैं तो यहां पर देखिए क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे इसको भी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर क्या हो जाएगा, चाहे तो यहां पर अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लें। तो देखिए यहां पर फर्स्ट फर्स्ट करेंगे, यहां पर चाहे यहाँ चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, एक स्क्वायर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब यहां पर चलते हैं, इसका तो हो गया डिफरेंशिएशन, यहां पर चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो e टू डी पावर साइन एक्स वाई है, तो d बाई डी एक्स, डी ई टू डी पावर साइन एक्स वाई, e टू डी पावर में जो है इसी के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। अब फिर क्या करेंगे, चैन रूल यहां अप्लाई कर देंगे, d साइन एक्स वाई बाई डी एक्स वाई, फिर डी एक्स वाई बाई डी एक्स, फिर डी एक्स वाई बाई डी एक्स। अब डी एक्स वाई बाई डी एक्स को हम चाहे तो तोड़ सकते हैं इसके अनुसार। चलिए यहां पर भी मैं इसको लॉग वाले कर रहा हूं, डी बाई डी एक्स, यहां है डी लॉग साइन एक्स वाई। अब ये log साइन एक्स वाई है तो इसको साइन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे, फिर d साइन एक्स वाई बाई डी एक्स वाई इंटू डी एक्स वाई बाई डी एक्स। यहां आप चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, अभी इसको लेकिन सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहां हो गया क्या, टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा डिफरेंशिएशन इनटू वाई स्क्वायर, ए टू डी पावर साइन एक्स वाई का ए टू डी पावर साइन एक्स वाई ही हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स वाई। अब यहां पर इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डायरेक्ट वन लिख दूं एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, यहां पर लॉग का क्या हो जाएगा, वन बाई साइन एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई, फिर इंटू यहां पर डी एक्स वाई को कैसे करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब जितना भी है सबको एक साइड ले जाएंगे और सब में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। चलिए जैसे ही इसको अरेंज कर देते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ भी 2xy है, यहाँ भी 2xy है, 2xy कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, dy by dx बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस y बच जाएगा, यहाँ पर कुछ कॉमन आ सकता है, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ e टू डी पावर x, सॉरी e टू डी पावर साइन एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई, फिर यहां पर हो जाएगा क्या इंटू एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसको इस साइड लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और ये कितना हो जा रहा है, माइनस कॉस एक्स वाई अपॉन साइन एक्स वाई इंटू बस वही एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये तीनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तीनों टर्म में है एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई, तो ये कॉमन लेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई होल इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां टू एक्स वाई प्लस ई टू डी पावर साइन एक्स वाई इंटू कॉस एक्स वाई, माइनस कॉस एक्स वाई बाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो या तो इतना के बराबर जीरो हो सकता है, चाहे ये जीरो के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, तो हमें तो इससे मतलब है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई, और dy वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा फाइनली, तो ये माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पांचों में से कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो आएगा इसका माइनस वाई बाई एक्स आएगा। आपके लिए बिहार बोर्ड वाले के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो टेक्निक मैंने बताया कि अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन कोई भी दिखे उसका ऑप्शन में जहाँ माइनस वाई बाई एक्स आंसर दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक दो और क्वेश्चन इस पर लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लेंगे और कॉपी कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ दिया है, इसी प्रकार अगर दे दे यहाँ कुछ भी रहे, बस फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई दोनों एक साथ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया रहे लॉग टेन एक्स वाई माइनस साइन क्यूब एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये हो गया मान लीजिए कि दिया हुआ है ई टू डी पावर लॉग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई,
प्लस साइन ए टू द पावर टेन एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई। तो इसमें भी ये एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है, इसका भी डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आठ, जैसे कि मान लीजिए कि लॉग साइन ए टू डी पावर एक्स वाई माइनस टेन एक्स वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर टेन एक्स वाई स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, यहां लिख रहा हूं। ये भी चाहे कितना भी आए सही टर्म में जो होना चाहिए एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स आएगा और माइनस वाई बाई एक्स लिया जाएगा। एमसीक्यू अगर क्वेश्चन इस तरह का है तो उसमें आपको सीधे वाई माइनस वाई बाई एक्स सॉल्व करके आ जाना है। तो चलिए आप एक नेक्स्ट टाइप में बताने जा रहा हूं, पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं और फिर आपको उसका टाइप बताऊंगा। जैसे कि आपको एक मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन नंबर वन मैं दे रहा हूं, एक्स टू डी पावर थ्री वाई टू डी पावर फाइव इजुकल टू एक्स माइनस वाई होल टू डी पावर एट। अब इसका हम डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, कैसे आएगा एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे सब, उसके बाद आपके माइंड में खुद आ जाएगा इसका कितना आंसर आना चाहिए। एक और मेथड, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे इस टाइप का भी क्वेश्चन का सेम ही आंसर आएगा जो मैं यहां दूंगा। अब इसको हम एक चैन रूल पर बना सकते हैं और थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा, लॉग एक्स क्यूब वाई टू द पावर फाइव इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वाई होल टू द पावर एट। यहां आप लॉग का फॉर्मूला जानते होंगे, यहां लॉग का प्रॉपर्टी लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और अगर यहां पर लॉग एम टू द पावर एन रहेगा तो ये पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाता है, एन लॉग एम हो जाता है। बस इसी पर इसे मैं तोड़ लेता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा ये, तो लॉग एक्स क्यूब और प्लस लॉग वाई टू द पावर फाइव ये पावर में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई जो है यहाँ जो पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो एट लॉग एक्स माइनस वाई हो जाएगा यहाँ। अब इससे देखते हैं तो ये हो जाएगा थ्री लॉग एक्स और प्लस ये हो जाएगा फाइव लॉग वाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा एट लॉग एक्स माइनस वाई। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, चाहे यहाँ पर निकाल सकते हैं आप चैन रूल पर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, और फिर ये क्या हो जाएगा फाइव डी लॉग वाई है तो यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एट डी लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन। अब ये जो है एक्स माइनस वाई के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, अब यहाँ पर डी एक्स माइनस वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो थ्री इसका क्या होता है वन बाई एक्स फाइव इंटू वन बाई वाई
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, यहां 8, यहां log x, log क्या है, log x माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वाई इंटू, यहां पर हो जाएगा क्या, डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। आगे इसको लेकर चलते हैं, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं, यहां देखें। अब हम dy बाई डी एक्स को एक साथ लिखेंगे, तो चलिए इसको लिखते हैं, यहां पर क्या है 5, यहां क्या है 3 बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 बाई, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो जाएगा x माइनस वाई, यहां पर हो जाएगा माइनस 8 बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाई वाई, माइनस है इधर तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा 8 बाई एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, इधर 8 बाई एक्स माइनस वाई है, इधर आकर ये हो जाएगा प्लस 3 बाई एक्स, सॉरी माइनस 3 बाई एक्स। अब यहां पर आप एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, 5x माइनस 5y प्लस 8y, इधर माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 8x, क्योंकि एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y, यहां पर x माइनस वाई है, इधर भी x माइनस वाई है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां देख रहे हैं कि यहां पर क्या है 5x है, तो यहां 5x है, 5y है और यहां पर 8y है, माइनस 5y और 8y हो जाएगा प्लस 3y अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 3x, यानी कि क्या हो जाएगा, यहां भी 5x हो जाएगा प्लस 3y अपॉन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका फाइनली आ गया क्या, वाई अपॉन एक्स आ गया, और यही आंसर हो जाएगा। और भी यहां पर मैं कुछ प्रॉब्लम लिख रहा हूं, यहां चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स टू द पावर 7 इंटू वाई टू द पावर 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई टू द पावर 8, ये दोनों पावर को जोड़ने पर इसके बराबर आ रहा है, इसमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपका y बाई एक्स आ जाएगा। तो MCQ में आपको इस तरह का इस पैटर्न पर जो भी क्वेश्चन दिखेगा जो कि इस टाइप पर रहे, एक्स टू डी पावर m इंटू वाई टू डी पावर m इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई टू डी पावर m प्लस n, यहां मान लीजिए वाई टू डी पावर n है, तो इसका आपका dy बाई डी एक्स जो है वो y बाई एक्स आ जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस वाई बाई एक्स आ रहा था, वो जो था एक्स वाई का फंक्शन था, चलिए यहां कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फोर मान लेते हैं, यहां पर दे दे रहे हैं x टू डी पावर 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहां पर पावर 1 है यहां 4 हो जाएगा, मान लीजिए यहां पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5,
एक्स टू डी पावर, यहाँ दे देते हैं टू, वाई टू डी पावर थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल टू डी पावर टू और थ्री, टू और थ्री हो जाएगा फोर, टू थ्री फाइव हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सिक्स रहेगा एक्स टू डी पावर यहाँ सेवन इंटू वाई टू डी पावर टेन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल टू डी पावर यहाँ पर रहेगा सेवनटीन। फिर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवन एक्स टू डी पावर नाइन और यहाँ पर वाई टू डी पावर थर्टीन, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई टू डी पावर थर्टीन और नाइन हो जाएगा आपका यहाँ ट्वेंटी टू। एक और यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर एट एक्स टू डी पावर यहाँ रहेगा इलेवन, वाई टू डी पावर यहाँ रहेगा ट्वेल्व इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल टू डी पावर यहाँ रहेगा ट्वेंटी थ्री। ये हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर नाइन एक्स टू डी पावर 2021 इंटू वाई टू डी पावर 2022 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल टू डी पावर 2043। मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स टू डी पावर नाइन रहेगा एक्स टू डी पावर 1008 इंटू वाई टू डी पावर 2008 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल टू डी पावर 2000 यहाँ पर हो जाएगा 3016। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे और सबका आंसर आपका हो जाएगा वाई बाई एक्स। आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप चैन रूल पर सॉल्व कर सकते हैं, लॉगरिथम दोनों तरफ लॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसान पड़े सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपके एमसीक्यू में अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा वाई बाई एक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए e टू डी पावर एक्स वाई इज इक्वल टू के एक्स वाई, तो इसका आंसर जो आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स आ जाएगा, इसमें डी वाई बाई डी एक्स। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए साइन एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स वाई, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। जो कि आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आ सकता है, इसलिए आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।